तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो, माई सेल्फ फरवेज आलम। सो इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया यू कैन टेक्स मी डायरेक्टली इन इंस्टाग्राम एंड आई विल गिव माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आई एम ए मल्टी लिंग्वल। प्रीवियस व्लॉग तो मैंने सिर्फ कॉलेज का बाहर का कैंपस दिखाया था स्नो के टाइम पे, तो इस बार सोचा कि क्लासरूम वगैरह दिखा दूँ, सब कुछ पूरा कंप्लीट कॉलेज का दिखा दूँ। एक और कंस्ट्रक्शन चल रही है वो डायमंड से ऊपर क्लिनिक है, इंटरनेशनल फैकल्टी। बच्चे नहीं आए अभी, एक्चुअली इट्स जस्ट 7:45, तो 8 बजे आएंगे। तो यहाँ ये फोन भी है और ये रिचार्ज करने की मशीन। सो ये मैं आपको दे दीजिएगा, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं जितने भी यहाँ मेंशन किया ना, सब जगह हमारे कहीं ना कहीं क्लासेस लगती रहती है। सो ये सेकेंड ईयर से सब बच्चों को लगता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो 90%+ तो क्लासेस यही लगती है। मेन कैंपस यहाँ है इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी, यही 50%+ ऑफ द क्लासेस हर बच्चों को यही लगती है। तो यहाँ हर किसी का शेड्यूल लगा रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर। सिक्स्थ ईयर तो हमारा नहीं है, हमारा तो सिर्फ फिफ्थ ईयर तक का होगा, मे बी हमारा थर्ड ईयर का शेड्यूल है। सो यहाँ एंट्रेंस और रहा हमारा इंडियन फ्लैग। So this is the lecture hall. First floor explore कराता हूँ आपको। So ये सब कॉलेज के achievements. Natural Science और Mathematics का department है। सेकेंड फ्लोर मेडिकल ऑफिस है, थर्ड में पैथोफार्मा और सोशल मेडिकल है, लेकिन अभी उधर न्यूरो वगैरह वही होता है। सो सब टीचर्स है, ये भी इनका रूम है, सब लॉक है एक्चुअली। सब क्लासेस सब एकदम सेम लगता है। दिस इज ग्राउंड फ्लोर, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। सब बच्चे 8 बजे को आने लगेंगे, अभी जस्ट 8:45 है। सब टीचर से मेरे रशियन के टीचर थे ये। सो लैटिन लैंग्वेज, जहाँ लैंग्वेजेस किर्गिज रशियन वगैरह वगैरह सिखाई जाती है। सब रूम्स बंद है, मीटिंग हॉल है। सो सब शेड्यूल लगा रहता है बच्चों का, इंफॉर्मेशन को रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है बच्चों का तो यही आते डीन ऑफिस, वाइस डीन, वाइस डीन का डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये सब टीचर्स है, हर फ्लोर्स में हर टीचर्स का फोटोज लगा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स है। न्यूरो का डिपार्टमेंट, डर्मा का डिपार्टमेंट, डर्मा का सेल्फ वर्क है स्किन डिजीज के बारे में, ये
इस डिपार्टमेंट के टीचर्स, क्लास के टाइमिंग्स, सो ये न्यूरो का क्लास है तो ऐसे रहते हैं सब क्लासेस ऑलमोस्ट। ये सब बच्चों का सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क यानी प्रोजेक्ट वर्क। बस इतना ये इस फ्लोर में। सो दिस इज डायमेंस। सो इसमें पीडियाट्रिक्स ऑब्स गायन की डिपार्टमेंट रहती है। सब जो यहाँ से इनसे क्लियर किए उन लोगों का फोटोज लग रहे हैं ओनली लास्ट ईयर। सो अभी ये सब अरेंज करके रख दिया गया। अभी मॉड्यूल्स एग्जाम्स चल रहा है तो सब दिखाता हूँ, एक एक दिखाऊँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। सी पी आर वगैरह आइए मजा देने के लिए सिखाते। वी आर सिस्टम होगा तो ये पीडियाट्रिक्स का जब क्लास होता है तो यहाँ प्रैक्टिकल्स को लेके आते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स कैसा करते हो उसके बारे में जानना चाहते हो और MBBS अब्रॉड में कैसे एडमिशन्स लेना चाहिए उसके बारे में जानना चाहते हो और क्या क्या चीज़ चाहिए, तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। जब मैं फ्री रहूँगा इंशाल्लाह आपको मैं टेक्स्ट करूँगा इंशाल्लाह। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा डिटेल्स, उसको कॉन्टैक्ट कीजिए। मॉर्फोलॉजी एजुकेशन डिपार्टमेंट। हिस्टोलॉजी फिजियोलॉजी एनाटॉमी सब सेकेंड फ्लोर ऑफ मॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट। सो ये जब एनाटॉमी का क्लास होता है तो यहाँ लेके आते हैं तो ये अपर लिम लोअर लिम का ओरिजिनल कड़ावा रखा गया है। जो साइड में रखी है वो सब डमीज है, वो जब प्रैक्टिकल्स होती है तो टीचर्स लेके आते हैं इधर। राइट नाउ मैं मेडिकल क्लिनिक जा रहा हूँ तो राइट साइड में क्लिनिक है और ऊपर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में वार्ड्स है और ये भी वार्ड है और फोर्थ फ्लोर में प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। डिपार्टमेंट है
जो FMG क्लियर किया है उनका फोटोज लगा है इधर। सो ये लाइब्रेरी है और यहाँ बुक्स वगैरह रखते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं लेकिन अभी नहीं है, इसी वजह से मैं शूट कर रहा हूँ। ये दोनों यहाँ का लोकल फैकल्टीज है, ये और ये, यहाँ सिर्फ लोकल रशियन और किर्गिज लोगों को क्लासेस चलती है इधर। तो ये ठीक कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा नदी है और बहुत सारे पौधे दरख्त पेड़ रहते हैं। तो ये देखो, ये एप्पल का पेड़ है इधर, तो एक बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है, बहुत आवाज़ बहुत अच्छी आती है रिवर का। तो हम जब क्लासेस फ्री होते हैं तो हम यहाँ बैठते हैं। तो टोटल 4-5 कैंटीन है, उसमें 3 इंडियन कैंटीन है और 2-3 रशियन कैंटीन है। कॉलेज कैंटीन।